हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने वीवो X70 प्रो एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में आप जो है स्क्रीनशॉट फ्लोटिंग विंडो सेटिंग को अपना इनेबल कैसे कर सकते हैं, यानी कि ऑन कैसे कर सकते हैं। ठीक है, और ये स्क्रीनशॉट फ्लोटिंग विंडो सेटिंग जो है इनेबल होने के बाद ही सेटिंग कैसे काम करेगी, आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूं। तो चलिए यहां पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल फोन में सेटिंग पेज ओपन करना है। ठीक है, सेटिंग पेज को ओपन कर लीजिए अपने फोन में। सेटिंग पेज में आपको नीचे ये ऑप्शन मिल जाएगा, शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी, इस ऑप्शन को आपको सिलेक्ट करना है। अब इसके अगले पेज में आपको ये ऑप्शन मिलेगा एस कैप्चर, एस कैप्चर पर सिलेक्ट करना है। अब इसके अगले पेज में आपको नीचे ये ऑप्शन मिलेगा स्क्रीनशॉट फ्लोटिंग विंडो, इस ऑप्शन के ठीक सामने आपको एक बटन दे रखा है, इस बटन को टैप करके ऑन करना है, यानी कि सेटिंग को इनेबल करना है। इस सेटिंग को ऑन करने से पहले मैं आपको कुछ बातें समझा देता हूं, फिर इस सेटिंग को ऑन करके मैं आपको दिखाऊंगा। देख, ठीक है, तो देखिए दोस्तों, जब भी हम अपने फोन पे स्क्रीनशॉट लेते हैं तो स्क्रीनशॉट आ जाता है और पेज यहां से गायब हो जाता है। ठीक है, लेकिन अब हम इस सेटिंग को ऑन कर लेते हैं। ठीक है, ये ब्लू कलर में बटन ऑन हो चुका है। अब देखिए सेटिंग ऑन होने के बाद काम कैसे करेगी। आप कभी भी अपने फोन पे स्क्रीनशॉट लेंगे ना इस तरीके, मतलब कभी भी स्क्रीनशॉट लेंगे तो स्क्रीनशॉट आ जाएगा, उसका पेज जो है स्क्रीनशॉट का नीचे की साइड फ्लोट करेगा इस तरीके से। ठीक है, 1 से 3 सेकंड तक आपका ये पेज कम से कम फ्लोट करता है। तो ये सेटिंग जो है इनेबल करने के बाद ये सेटिंग ऐसे काम करती है आपके मोबाइल फोन में। अब मैं आपको जो है ना स्क्रीनशॉट फ्लोटिंग विंडो सेटिंग को ढूंढने का एक शॉर्टकट तरीका भी बता देता हूं आपके मोबाइल फोन में। इसके लिए आपको करना क्या होगा, आपको अपने मोबाइल फोन का सेटिंग पेज फिर से ओपन करना है स्टार्टिंग से। ठीक है, सेटिंग पेज को यहां पर जो हम फिर से ओपन कर लेते हैं। सेटिंग पेज में आपको ना सबसे ऊपर ये ऑप्शन मिलता है सर्च आइकन का, इसे आपको सेलेक्ट करना है और यहां पर आपको सर्च बार में सेटिंग नेम आपको टाइप करना है स्क्रीनशॉट फ्लोटिंग विंडो। ठीक है, तो आपको नीचे की साइड में ये ऑप्शन शो हो जाएगा। यहां पर आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप सर्च बार में सेटिंग का नेम आप टाइप करेंगे तो यहां पर आपको स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी है। अगर आप यहां पर स्पेलिंग मिस्टेक करेंगे तो आपको नीचे की साइड ये ऑप्शन दिखाई नहीं देगा, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को आगे कंटिन्यू कर लेते हैं। जब ये ऑप्शन नीचे शो हो जाता है तो इसे सिलेक्ट करना है। इससे क्या होता है, आपका मोबाइल फोन आपको डायरेक्टली सेटिंग पेज में लेकर आ जाता है और नीचे की साइड आपको ये ऑप्शन मिल जाता है। तो ये मैंने आपको एक शॉर्टकट तरीका भी बता दिया है इस सेटिंग को ढूंढने का आपके मोबाइल फोन में।